जिला पंचायत उत्तरकाशी में काफी अनियमितताएं व्याप्त है। जमीन पर बिना काम किए यहां भुगतान किए जा रहे हैं। यह आरोप जिला पंचायत सदस्य प्रदीप भट्ट ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगाया। उन्होंने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजलवान अनियमितताओं को लेकर आंख बंद कर चुके हैं और उनके संरक्षण में नियम को ताक पर रखकर काम हो रहे हैं। जिला पंचायत कार्यालय में लेखाकार व सह लेखाकार के मौजूद होने के बावजूद संविदा कर्मी द्वारा लेखा कार्य को संचालित किए जा रहे हैं और मनमाने तरीके से बिल भुगतान किए जा रहे हैं। भट्ट ने आरोप लगाते हुए कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजलवान गंगा घाटी क्षेत्र की उपेक्षा कर रहे हैं और इस क्षेत्र के विकास कार्यों को बाधित किया जा रहा है। उत्तरकाशी को लेकर के आज मैं आप सबके सामने आया हूं। जिला पंचायत उत्तरकाशी में जो अनियमितताएं हैं और जो भ्रष्टाचार वहां पर हो रहा है उसको लेकर के आज मैं आप सबके सामने आया हूं। मैंने वहां पर जो मुख्य रूप से जो चीज़ें देखी हैं, एक तो मैंने निर्माण अनुभाग में जो प्रधान सहायक का पद होता है, जिसको हम निर्माण बाबू भी कहते हैं, वो प्रमोशन का पद है और उस पद पर कोई भी संविदा कर्मचारी उस पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन जिला पंचायत उत्तरकाशी में आउटसोर्सिंग का एक कर्मचारी वो वहाँ पर निर्माण सहायक का काम कर रहा है, प्रधान सहायक का काम कर रहा है, पटल प्रभारी बनाया गया है। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि निर्माण अनुभाग जिला पंचायत की रीढ़ है, सारे विकास के काम निर्माण अनुभाग द्वारा संचालित होते हैं और वहाँ पर जबकि नियमित कर्मचारी वहाँ मौजूद हैं जिला पंचायत में, तो जब नियमित कर्मचारी मौजूद हैं तो क्यों आप वहाँ पर जो है एक संविदा कर्मचारी से काम ले रहे हैं, ये अपने आप में सवाल खड़े करता है। दूसरा, जो लेखा अनुभाग है वहाँ पर भी लेखाकार मौजूद हैं, सह लेखाकार उपलब्ध है, उसके बावजूद जो भुगतान की प्रक्रिया है, आजकल आप देख रहे हैं पीएफएमएस के माध्यम से भुगतान हो रहा है, तो पीएफएमएस के माध्यम से वहाँ पर जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड है उसको जो है एक संविदा का कर्मचारी संचालित कर रहा है, तो ये भी अपने आप में एक सवाल खड़े करता है कि जब लेखाकार मौजूद है, सह लेखाकार मौजूद है, तो क्यों इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। लोगों के भुगतान काफ़ी लंबे समय से लंबित हैं। अभी मैंने मेरे क्षेत्र में दिखोली में तामेश्वर मंदिर का निर्माण गाँव वालों ने किया, वो लोग मुझे कब से कह रहे कि भुगतान नहीं हुआ, मैंने जे ही वहाँ साइड पे नहीं जाता है। तो इस तरह से जो लोग बेलगाम हो गए हैं, मैंने कई बार माननीय अध्यक्ष जी से भी कहा, अपर मुख्य अधिकारी से भी कहा कि ये लोग साइटों पे नहीं जा रहे हैं, एमबी नहीं कर रहे हैं, और जिस वजह से जो लोग निर्माण कार्य कर रहे हैं, जो ठेकेदार है, उनको उनके आगे पीछे चक्कर काटने पड़ रहे हैं। तो ये अपने आप में सवाल खड़े करता है कि आखिर जब हम किसी पद को ग्रहण करते हैं तो हमारी मंशा होनी चाहिए कि हम जनता की सेवा के लिए बने हैं और हमने जो वादे जनता से किए हैं हम उन वादों पर खरा उतरें। और